सामने। अरे पीछे आओ ना यार, कितना आगे जाओगे? आज आपको भी अवार्ड मिलने वाला है, शेर दादा ने बोले बताया, आप क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड को लेकर? अवार्ड को तो खुश हूँ मैं, ऐसी खुश हूँ कि शिव को तो अवार्ड मिल रहा है, पर सब मेरे बच्चे के बारे में खुश हूँ मैं कि सब मेरे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे प्रगति करेंगे, आगे जाएंगे। आपने, मुझे याद है जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थे, तभी आपने कहा था कि शिव भाई सपना देखते थे ये सारी चीज़ों का, अब सब जो सपना पूरा होता है, आपको कितनी खुशी मिलती है इसको लेके? बहुत खुशी मिलती है। बहुत शिव, आप कुछ बताना चाहोगे आज उनके साथ? मुझे मतलब ये अवार्ड अच्छा लगा कि एक बिग बॉस मराठी के बाद में एक इवेंट में गया था जहाँ पे मुझे बुलाया था, मतलब आपके आई को भी बुलाना है और यहाँ पे आई और आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम ऐसे सुना मैंने, यार ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये मेरे आई के लिए खुशी की बात है कि उसको थोड़ा अपन मोटा डलवाई जाता तो बड़ी बात है ये और खुशी की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और हैप्पी है हम लोग। क्या कहना चाहूँगा फैंस और ऑडियंस को, इतना सारा प्यार देकर आज यहाँ तक पहुँचाए? मैं थैंक यू हमेशा बोलता हूँ, हमेशा शुक्रिया करता हूँ सभी का, क्योंकि ये मेरे आई का तो ब्लेसिंग है ही, इसकी वजह से मुझे जितनी आईओ का ब्लेसिंग मिलता है इसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो ये अवार्ड मेरे और आई का नहीं है, जितनी आईया मुझे ब्लेसिंग देती है उन सब का है, तो थैंक यू सर। क्या कुछ विशेष देना चाहोगे उनको? मैंने अभी ये तो कैमरा में विश दे के कुछ मजा नहीं ना, मैंने फोन करके विश दे दिया पहले से ऑलरेडी। मनीषा रानी एंटरटेनमेंट का पैकेज है पूरा, और जितना उसने बिग बॉस में किया उसके पहले भी मैं जानता था उसे, तो काम, यार काम के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ और उसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आएगा। I've got the most endearing mother and daughter duo, and I think Dadasaheb Phalke is always a prestigious award, and for such a prestigious relationship we've got it. So I must say it's a beautiful relation, so thank you for appreciating it, thank you for loving us and finding us endearing. It's all beautiful. I feel she's always like my soul. So yes, I get this acknowledgement by Dadasaheb Phalke. So ये इन लोगों की एनर्जी है जो मुझे इतना याद है, इन लोगों की एनर्जी है। शायद प्रोजेक्ट नया किया इसलिए इतनी ब्यूटीफुल लग रही होंगी, बट हाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ।
नॉमिनी है आइकॉनिक मदर डॉटर डुओ का. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. सो यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को, आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, आ जाओ मम्मा. आपका और आप मम्मी जी का बहुत अद्भुत रिश्ता है. आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आजकल, लेकिन लोग अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कम देते हैं लोग सफल होने के बाद. लेकिन मैम हमेशा आप मैम के साथ रहती हैं. क्या कहना चाहोगे आप? मैं मम्मी बचपन से लेकर अभी तक मेरा इतना साथ दिया है, मेरी मेंटोर है चुकी है, मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है. तो मेरा बहुत साथ दिया, मैं आज तक जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ. एंड ऐसा नहीं, आजकल के बच्चे भी सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा को अपने, सब देख देख के अपने अपने दोस्तों को, हम लोग को. आई थिंक सब आजकल हर कोई अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है. पहले बीच में हो गया था कि हाँ माँ बाप को नहीं सपोर्ट कर रहे, बट आजकल एवरीबडी सपोर्टिंग द पेरेंट्स. आने वाले समय में क्या कुछ यस, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा. जैसे रिलीज डेट आएगा आपको पता चल जाएगा. हाँ जी, मैं एक OTT फिल्म कर रही हूँ और एक बड़े पर्दे की फिल्म कर रही हूँ. तो एक महीना शूटिंग करके आई, देहरादून में थी तो शूटिंग करके. आप बताइए, आपको भी अवार्ड मिलने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे? क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब दादा साहब फाल्के नाम आगे से जुड़ा है, तो मेरा खुशी के मारे ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा है. क्योंकि सुनते ही थे ना हम लोग तो, उत्तरकाशी जैसी जगह पे थे, तो दादा साहब फाल्के पढ़ना देखना, फिर उसके बाद आज अवार्ड मिल रहा है बेटी के कारण, तो बहुत खुशी हो रही है. बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है. थैंक यू. Dada Saheb Phalke Award and it's a soulmate award, Saraswati Bai Ji ke tribute mein. So my parents Preeti and Suresh, they are also getting an award for this, for encouraging me in this field in acting career. Mujhe yaad hai meri journey itni utar chadhav wali rahi hai. I was a child actor, then beech mein maine acting chhod di thi. I was a topper of my school. I was almost about to go to UC Davis and then बीच में मेरे को आशिकाना का ऑफर आया. तो मैं US जाने का सब प्लान कैंसिल करके आई स्टार्टेड डूइंग आशिकाना. बट अमंगस्ट ऑल दिस, चाहे वो मूवीज़ हो चाहे सीरियल्स हो, एवरी थिंग माई मॉम एंड माई डैड हैव बीन द पिलर ऑफ माई करियर. स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे कभी भी हमेशा ये बोला कि लेट एवरीबडी बी अगेंस्ट, बट यू हैव टू कम्प्लीट योर एक्टिंग करियर एंड योर पैशन. एंड थैंक यू सो मच बीजन सर. एंड या Now when you look back, जो डिसीजन आपने लिया है, जी, बड़ा जी, आप जिस तरह आप लोग देखते हो तो प्यार मिला लोगों की तरफ से, आप उधर कुछ बताना चाहोगे? हमारे हम लोग बेसिकली प्रयागराज को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा टिल्टेड लोग होते हैं. उनको इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कोई और टैलेंट है कि नहीं है. मैं खुद MBA को पढ़ाती थी, मैं खुद MBA हूँ और MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी. तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि हम जो है पढ़ाई के चक्कर में कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे के टैलेंट को दबा देते हैं. मैंने वो मेरे बच्चे के साथ नहीं किया, वो पढ़ने की अच्छी थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे जो है तुम्हें जो पसंद हो वही तुम करो. उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, वो टॉपर थी अपने स्कूल की, वो जाने वाली थी US और उसके बीच में एक आशिकाना सीरियल आया और उसने बोला कि मामा आई रियली वॉन्ट टू डू दिस आशिकाना. और मैंने बोला ठीक है जाने दो. कितनी मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स गुस्सा हो गए,
जो इसकी मासी थी इसका सब लोग गुस्सा हो गए, लेकिन मैंने बोला नहीं तुम्हें जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम करो एंड शी इज़ वेरी हैप्पी डूइंग आशिकाना थैंक्स टू द गुल मैम जो आशिकाना के बिहाइंड जो जिन्होंने इसको बुलाया उसके टैलेंट को समझा और फिर वापस करना शुरू कर दिया छोटे बच्चे आगे जाओ नीचे बैठो सर मैं भी नीचे हेलो मुझे बेस्ट एंटरटेनर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है बेस्ट डॉटर एंड बेस्ट मॉम आंटी आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में जिस तरह रॉकिंग परफॉर्मेंस दोनों में दे रहे हैं आपको सबसे अच्छी जर्नी किस पे लगी मेरे को बिग बॉस में भी अच्छी लगी खतरों हैप्पी बर्थडे डेजी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे पता नहीं था सच अभी मुझे आपसे पता चला जी थैंक यू सो मच जी इधर ये इधर अर्चना जी यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको मिला है एज यूजुअल बेस्ट भोजपुरी एक्ट्रेस टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी मैं सभी को पहले हेलो करूंगी और थैंक्स करूंगी सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड को एंड ऑफ कोर्स कल्याण जी जिन्होंने मेरी मम्मी को एक्चुअली ये अवार्ड मेरी मॉम के लिए है मॉम का ही है क्योंकि सोलमेट अवार्ड है और थैंक्स टू माय मॉम एक्चुअली मम्मियों को जो भी अवार्ड दो वो पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि माओं का काम तो 24 आवर्स होता है जब से बच्चा पैदा होता है उसके बड़े करने तक सो थैंक यू मम्मी
एंड थैंक यू बेटा तेरे वजह से मैं आपसे जानना चाहती हूं किस तरह का प्यार नाम से होता है पूरे भारत से ऐसा नहीं है कि एक कोई स्टेट है पूरे भारत से बहुत सारा बहुत मैं क्या बताऊँ उसका उसकी कोई शब्द नहीं है मेरे पास क्योंकि इतनी खुशी होती है कि इस बेटे को मैंने जन्म दिया ऑफकोर्स कल ही मेरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है सौगन भोलेनाथ की और बैक टू बैक मेरी फिल्में आ रही हैं भाभी माँ अभी उसका फर्स्ट स्केड्यूल कंप्लीट किया है सेकंड शुरू करना है वो एक बहुत बड़ी फिल्म है हमारे लिए भोजपुरी की यहाँ और मुझे लगता है कि अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी अब तक मैंने ऐसा बोला नहीं है कहीं पर भी लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब वो फिल्म आए तब लोग खुद उस बारे में बात करें तो पहला शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है दूसरा अभी शुरू करेंगे बरेली में लेकिन बैक टू बैक अभी 6 फिल्में हैं और बहुत जल्दी मैं अपनी या जय डायरेक्ट कर रहे हैं प्रीतिश को एक्टर हैं मेरे और नो डाउट बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है अभी नेक्स्ट मेरी वापस एक नई फिल्म भी शुरू हो रही है सो बैक टू बैक थैंक यू We actually got this award for Influencer of the Year and Rising Influencer of the Year, Soulmate Award. So technically, हमारे जो reels जो हमारी साथ में जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें आज मिल गया है, which is this award because हमारी reels काफी ज़्यादा viral हुए साथ में. So we actually got this award as Soulmate. Yeah. आप क्या कुछ कहना चाहोगे आई थिंक हमने अलग अलग कंटेंट भी बनाया है बट जब से हमने साथ में बनाया वी हैव ग्रोन अलॉट हमें बहुत ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है तो आई थिंक ये हम दोनों की मेहनत की वजह से हम दोनों को मिला है एंड वी बोथ डिजर्व इट एंड ऐसा हम और कंटेंट लाएंगे तो हमें और भी शायद मिले तो थैंक यू टू बी ऑनेस्ट एक साल पहले तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि रियलिटी शो क्या होता है कैसे वर्क करता है सबके अलग अलग कहते हैं ना एक माइंड मेकअप होता है कि स्क्रिप्ट होता है आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो भी चीज़ें बट टेक्निकली एक साल के अंदर मुझे 2 रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस हुआ एंड कहीं ना कहीं आई कैन से दैट रियलिटी शोज़ आर रियल एंड यू हैव दिस राइट कि आप जो चाहे वो इमोशन दिखा सकते हो कोई भी आपको फोर्स नहीं करता कोई भी आपको बोलता नहीं कि ये कर या वो कर इट्स ऑलवेज यू यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड दैट्स वी कॉल्ड अ रियलिटी शो आई थिंक फॉर मी आई वुड लव टू डू बिग बॉस बिकॉज क्योंकि बिग बॉस में पूरा टाइम आपके ऊपर कैमरा होते हैं ना तो आप फेक नहीं कर सकते एंड मैं जैसी हूँ मैं पूरा टाइम रियल रहती हूँ पूरा टाइम मजाक मस्ती करती हूँ तो आई थिंक अगर मुझ पर कैमरा पूरा टाइम रहेगा तो लोग काफ़ी इंटरटेन होंगे एंड मज़ा आएगा Tell us something about the first award together, I guess, correct me if I'm wrong. That's the first one. What would you like to say? So we got the most charismatic couple of the year award and we are extremely happy and honored and grateful because abhi shaadi hoke bas 6 hafta hi hua hai and we got the first award together so yeah many more to very go. Humbled and honored Michael what would you like to say about the award and tell us something about the pictures are looking so you guys thank are you so much the kind of love do you receive from the social media tell us something about that and also this kind this award so like she already said we are very I would say humbled and honored to receive this award so shortly after the wedding and like you said like we got lots of love for the pictures and lots of feedbacks for the pictures there are lots and lots more and we keep looking at them every day so इनके साथ आप नजबली या फिर ऐसे कोई रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे डांस रियलिटी शो बिकॉज़ वी ऑल नो यू आर अ गुड डांसर आई एम नॉट दैट्स द प्रॉब्लम सो आई वुड लव टू बट
सर का भी परमिशन होना चाहिए बट या डेफिनेटली we can think about it. And what about Bigg Boss? Would you like to go to inside that house solo? See, I told her very clearly I'll never go in that house even once. And then eventually it happened. He got so the taste already. Never say never. But yeah, I'm not the best dancer to answer the first question. Thank you so much. Thank you. Adila.